नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है आज शनिवार 23 अप्रैल 2022 राजस्थान की टॉप हेडलाइन 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश विदेश की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट मिला, सरकार सबको फ्री देगी बूस्टर डोज। देश में 5 से 11 साल के बच्चों को कोवैक्स वैक्सीन लगाने की सिफारिश। देश भर में एक बार फिर कोरोना अपना पैर पसार रहा है, सबसे ज्यादा केस दिल्ली में मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां आपको बता दें कि 1100 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। इसी दौरान 757 लोग ठीक होकर सुरक्षित घर भी चले गए हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि अब बात कर लेते हैं राजस्थान की टॉप 8-10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, अब 1500 की आबादी पर भी खुल सकेंगे सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गांवों तक उस शिक्षा पहुंचाने की दृष्टि से शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फेरबदल कर दिया है। विभाग ने कर्मोन्नती नियमों में बदलाव करते हुए महज 1500 आबादी वाले गाँवों में ही उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का बड़ा निर्णय लिया है। इससे राज्य में उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और स्टूडेंट्स को दूसरे गाँवों के बजाय खुद के गांव में पढ़ने का अवसर और मौका मिलेगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 5वीं बोर्ड परीक्षा के 5 दिन पहले फिर बदले केंद्र। शिक्षा विभाग के लिए 5वीं बोर्ड परीक्षा कल्पांश बन चुकी है। परीक्षा से 5 दिन पूर्व ने फिर बार परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन कर दिया है। ऐसे में विद्यार्थियों को फिर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर परीक्षा देने जाना होगा। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, इस बार 8वीं में न्यूनतम अंक लाने वाले विद्यार्थी ही होंगे उत्तीर्ण। इस वर्ष 2022 में 8वीं की परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। 0 से 32 अंक ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषय में परीक्षार्थी को उत्तीर्ण माना नहीं जाएगा। उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं करने वालों का 2 माह पश्चात पूर्व परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। इस अवसर में भी उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं करने पर अगली कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। हालांकि बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पायलट ने सोनिया के सामने कहा गहलोत नहीं करवा सकते हैं सरकार रिपीट, तो गहलोत फिर सुनाने लगे खरीद फरोख्त की किस्से। राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से गहलोत पायलट तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सचिन पायलट ने जहां सोनिया गांधी के सामने ये कहा है कि सीएम अशोक गहलोत सरकार रिपीट नहीं करवा सकते, तो गहलोत ने भी विधायकों के खरीद फरोख्त के किस्से याद दिलाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच कुर्सी की खींचतान बनी हुई है। पहले सचिन पायलट, फिर अशोक गहलोत और फिर 15 दिन में सचिन पायलट के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की दोबारा मुलाकात के बाद से राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मास्टर प्लान का चला बुलडोजर, अलवर के राजगढ़ में 3 मंदिर ध्वस्त। कांग्रेस विधायक बोले भाजपा के 37 पार्षदों की सहमति से यह हुआ सब। यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी बुलडोजर चला है, न कि कहीं घर कहीं नहीं चला बल्कि एक मंदिर पर चला है। अलवर के राजगढ़ में मास्टर प्लान के तहत 250 से 300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। हिंदू संगठनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज तक नहीं हुई है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने RUIDP के कार्यों की समीक्षा, प्रोजेक्ट को समय पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने RUIDP के कार्यों की समीक्षा की है। सीएम अशोक गहलोत ने लक्ष्य समय अवधि से पहले हुए विकास कार्यों और वर्तमान प्रोजेक्टों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की, बड़ी खबर, कोटा में बना है देश का पहला सांप का पार्क। 10 करोड़ में बसेगी सांपों की अद्भुत दुनिया। कोटा में राजस्थान और देश का पहला स्नेक पार्क तैयार हो रहा है। यहाँ करीब 35 प्रजातियों के सांपों को रखा जाएगा। 10 करोड़ की लागत से इसे स्नेक पार्क को तैयार किया जा रहा है। पार्क के भवन का लुक भी स्नेक के आकार का ही दिया जा रहा है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा 43 लाख रुपए का सोना, प्राइवेट पार्ट में छुपा कर लाया था गोल्ड का पेस्ट। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने 42 लाख रुपए के सोने के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम ने राजधानी जयपुर एयरपोर्ट से तस्कर के पास से 791 ग्राम सोना बरामद किया है। तस्कर से पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की, बड़ी खबर, IAS टीना डावी और प्रदीप गवांडे शादी के बंधन में बंध चुके हैं। जयपुर के होटल में दोनों ने शादी समारोह में शादी की है। बुधवार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को साक्षी मानकर दोनों ने जीवन भर साथ रहने का वादा भी किया है।
टीना और प्रदीप की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। तस्वीरों में टीना डाबी और प्रदीप गवांडे दोनों ही सफेद कपड़ों में नजर आए हैं। शादी की रस्मों में अम्बेडकर की तस्वीर लगाने के पीछे उनकी प्रति सम्मान दिखाने का मैसेज देने से जोड़कर देखा जा रहा है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। राजस्थान की बप्पी लहरी गोल्डमैन कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ के कन्हैया लाल एक बार फिर चर्चाओं के दौर में हैं। इस बार उन्होंने मायरे में बहन को 60 तोला सोना करीब 30 लाख रुपए देकर सबको शौकाया है। मायरे का सामान वे बैलगाड़ी में लेकर पहुंचे हैं। ये मामला चित्तौड़गढ़ जिले का है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, देसूरी की नाल यानी मौत की साल। 48 एक्सीडेंट और 139 मौत के बाद सरकार की कमेटी जांच करने पहुंची। हादसों के मोड़ के तौर पर बदनाम पाली की देसूरी नाल को लेकर सरकार ने अब सूझ ली है। राजसमंद पाली बॉर्डर के इस रास्ते पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं के कारण जाने के लिए राज्य सरकार ने एक टीम गठित की है। 6 सदस्यीय ये टीम शुक्रवार को देसूरी नाल पहुंची है और हादसे वाले स्पॉट का मुआयना किया है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, 12वीं का पेपर जरूरी, कांग्रेस ने किया है सेट। अब बता दें कि 12वीं का पेपर है या कांग्रेस का प्रशंसा पत्र, बीजेपी ने पूछा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की क्लास की पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा के पेपर में कांग्रेस से जुड़े 60 प्रश्न पूछे जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। हालांकि पेपर में एक सवाल कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन और एक सवाल बसपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के बारे में इतने सारे सवाल पूछे जाने पर सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया है कि यह प्रश्न पत्र जरूर किसी कांग्रेस ने ही सेट किया होगा। फिर राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सल्ती ट्रेन में भी करता था भ्रूण परीक्षण। जोधपुर में जेंडर टेस्ट करते हुए 5वीं बार पकड़ा गया हिस्ट्री सीटर डॉक्टर। जोधपुर के एक MBBS और डॉक्टर को भ्रूण परीक्षण करते हुए 5वीं बार पकड़ा गया है। शुक्रवार को PCPNDP टीम ने जाल बिछाकर लंबे समय से गोरख धंधा चला रहे डॉक्टर को दबोच लिया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, फ्री एडमिशन के लिए RTKA 2 मई से होंगे आवेदन। गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ना होगा आसान। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर फ्री और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को लेकर है। इसके तहत निजी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया 2 मई से शुरू होगी। प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से ऑनलाइन आवेदन के लिए 2 से 15 मई तक मांगे हैं, जबकि 17 मई तक को प्राप्त होने वाले आवेदनों की लॉटरी निकालकर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर मौसम अपडेट को लेकर है। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 15 जिलों में आंधी चलने की साथ ही बारिश की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि आगामी 3 दिनों तक प्रदेशवासियों को हीट वेव से राहत मिलेगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में रोजाना औसत 7 करोड़ यूनिट बिजली खपत बढ़ी। बिजली किल्लत के हालात बिगड़े, लोड शेडिंग से 2 करोड़ यूनिट कटौती। राजस्थान में बिजली संकट घर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बिजली की डेली खपत बढ़कर 27 करोड़ यूनिट प्रतिदिन की पार पहुंच चुकी है, जबकि पिछले साल बिजली की रोजाना औसत खपत 19 करोड़ 90 लाख यूनिट थी, यानी 7 करोड़ 10 लाख यूनिट बिजली की डिमांड पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। ये थी राजस्थान के आज की टॉप 8 10।